नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। अग्निपीड़ितों से मिले शिक्षा मंत्री, बांटी राहत सामग्री, आपदा पीड़ितों की सेवा करना सरकार की प्राथमिकता, मंत्री। खबर समस्तीपुर जिले से आ रही है, जहां विद्यापति नगर थाना क्षेत्र में राज्य की शिक्षा सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आपदा पीड़ितों की सेवा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA गठबंधन की सरकार ने आपदा की विकट परिस्थितियों के मद्देनजर पीड़ितों की सेवा करने को संकल्पित है। मंत्री श्री चौधरी प्रखंड अंतर्गत गढ़सिसई पंचायत वार्ड संख्या 5 में गत दिनों हुई भीषण अग्निकांड में प्रभावित परिवार के बीच सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता राशि व राहत सामग्री वितरण कर रहे थे। उन्होंने बुधवार को अग्निकांड के पीड़ितों के बीच पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने अग्नि पीड़ितों को विश्वास दिलाया कि विपदा की घड़ी में वे उनके साथ हैं। साथ ही साथ उन्होंने मौके पर SDO प्रियंका कुमारी व CO अजय कुमार को पीड़ितों को आवास सहित सभी सरकारी सहायता देने का निर्देश भी दिया। आप लोग कष्ट में, आपदा पीड़ित, हम सिर्फ जो हम लोगों ने सरकार के तरफ से या हम लोग अपने तरफ से भी, अपने मित्रों के तरफ से भी जो व्यवस्था कराई है, हम उसके बारे में समझना देखना चाहते हैं कि आप लोगों को जो पीड़ित परिवार है उन लोगों को खाना मिल रहा है ना? ठीक से साफ साफ कहिए, कुछ छिपाने का बात नहीं है। अगर कोई कमी होगी तो हम लोग पूरा करेंगे, सब हो रहा है उसके आ ही गई है। बाकी सरकार के तरफ से अभी जितना परिवार को आग लगी है, जिनका परिवार घर बर्बाद हुआ है, अभी 9800 मतलब 9800 200 रुपया कम 10,000 का चेक दे दिया गया है। और ये 9800 जो होता है, ये 9800 का है कि आप लोग को भी लगेगा 9800 का है, तो इसमें सब चीज़ के लिए अलग अलग पैसा है। 2 क्विंटल अनाज खरीदने के लिए पैसा है, घर के को टेम्पररी तिरपाल डाल के वो बनाने के लिए खर्चा है 1500 रुपया, बर्तन खरीदने के लिए, ताकि बर्तन तो सब जल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसलिए सरकार में, और यहो जान लीजिए, अरे हम तो यहाँ 40-50 साल से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, ऐसी व्यवस्था पहले कभी कहीं नहीं होती थी। ये नीतीश कुमार जी की सरकार या ये जो सरकार बनी है, वही नियम ही बना दिया है। कहे कि जैसे ही जो आपदा पीड़ित का अनुभव तभी होता है जब अपने घर में बाढ़ आती है, जो हम लोगों को भी याद होगा 87 में हम लोग का भी गांव डूबा था, तो उसके पहले हम लोग बाढ़ में कितनो राशन पानी पहुंचाते थे, मन में लगता है। या जैसे अब ये कि अभी आप लोग को इतना कुछ दिए, हम लोग कभी नहीं समझते हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर दिए। जितनी बड़ी विपदा है, जितनी बड़ी परेशानी है, उसमें ये सब बहुत, जिसको कहते हैं कि ऊँट के मुँह में जीरा कहबा, लेकिन तब है कि जो दुर्भाग्य है वो तो दुर्भाग्य है, उसमें जितने जो मदद करे वही होता है, एक सहारा का काम होता है। तो हम लोग सरकार के तरफ से वो जो दिए हैं, या एक बच्चा जो जल गया, उनके माँ को 4 लाख का अलग चेक दिए हैं, उसके अलावा, या बकरी का 2 आदमी का 2-2 बच्चा जल गया, 6,000 उन लोगों को अलग से दे दिए हैं, तो ये सब उन लोगों को दिए हैं। फिर हम लोग अपने तरफ से भी लाए थे, जो पैकेट में एक धोती है, साड़ी है, गमछा है, वो सब है। और हम धन्यवाद देते हैं हम अपने साथियों का, जो हमारे ये चतुर्वेदी जी हैं, पंकज मालवीय जी हैं, इनकी संस्था गूंज है, जो हम लोगों से देखिए क्या दुर्योग होता है कि अब ये कुछ दिन पहले इन लोगों से बात हुई है, जो एक कार्यक्रम हम लोग करना चाहते हैं संस्था के तरफ से, आपको उसमें चलना हो। हमने कहा ठीक है, चलेंगे, आप लोग भाई समाज सेवा का काम करते हैं, कि देखिए कहाँ से विधाता हमारे ही क्षेत्र में विपत्ति ला दिए। इनको भी धन्यवाद देते हैं, जो चल के आके तिरपाल मच्छरदानी सब ही बेचारे को मालूम हुआ तो लेके आए हैं, और हम लोग आप लोग की सुविधा में
उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये सब सुविधा दी गई है और आगे भी जितने तरह की सुविधा दी जाएगी वो आपको मुहैया या उपलब्ध कराया जाएगा। कष्ट तो कोई, अब ये जैसे जिसके घर के ऊपर छत नहीं है, अब ये जितना प्रचंड गर्मी पड़ रही है, कहने को तो हम तिरपाल दे दिए, लेकिन वो तिरपाल के नीचे अगर अपने सोना पड़े तब पता चलेगा जो तिरपाल से क्या होता है। वो सब बात हम लोग समझते हैं, लेकिन इसीलिए पहले ही हमने कहा कि कष्ट का कोई निदान नहीं है, कोई निवारण नहीं है, कोई बांट नहीं सकता है। एक सहानुभूति होती है, एक आपके दुख में हम या सरकार आपके साथ है, सिर्फ ये एक भरोसा होता है। वही भरोसा लेके हम लोग आए हैं और यही कहने आए हैं कि पीछे भी आप लोग जुड़ के भरोसा देते और लेते रहे। जो कष्ट है इसमें जो अभी संभव हुआ है मदद की है, आगे भी आप लोगों को जो कोई कष्ट या दिक्कत, भगवान न करे जो किसी को कोई विपत्ति आए, हम लोग तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं जो कभी किसी को ऐसा दुख दे कि किसी से कोई मदद लेना पड़े या किसी का मुंह देखना पड़े। समस्तीपुर विद्यापति नगर से ऑनलाइन भारत के लिए रत्नशंकर भारद्वाज की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप ऑनलाइन भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।